गुड मॉर्निंग। पार्श्व इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से जो ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं, उसमें आप सभी का स्वागत है। एट क्लास, आप अपनी संस्कृत की बुक निकालें, पेज नंबर 3। पिछले वीडियो में हमने संस्कृत के श्लोक का हिंदी अनुवाद किया था और अब हम इसके आगे इनके प्रश्न उत्तर करेंगे। पहले वीडियो में मैंने आपको प्रश्न नंबर 2 आपको होमवर्क में दिया था, अब आप प्रश्न नंबर 3 देखें। प्रश्न का उत्तराणी एक पदे लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। व्यसन किम नश्यति, बुरे व्यक्तियों का क्या नाश होता है, इसका उत्तर होगा विद्या फलम, विद्या का फल। अगला प्रश्न आप देखें, कस्य यश नश्यति, किसका यश नाश होता है, इसका उत्तर होगा युद्ध के लालची व्यक्तियों का। मधुमक्षिकाम किम जानयति, मधुमक्षिका क्या जानती है, और इसका उत्तर होगा यहाँ पर माधुर्यम। ग वाला प्रश्न देखे, मधु सुक्त रक्षम के सजंती, मीठा मधुमक्खियों के समान कौन बोलता है, इसका उत्तर होगा संत, जो विद्वान लोग होते हैं वो मीठा सार युक्त बोलते हैं। अर्थी के फिर विमुखा न खनती, याचक के पास से कौन खाली हाथ नहीं जाता, मनी रूप पेड़ के पास, कहने का मतलब है अगर हम पेड़ों के पास जाते हैं तो हम वहां से खाली हाथ नहीं आते। अगला प्रश्न आप देखो, चौथा पेज नंबर 4 पे, अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठार्थ चित्वा संस्कृत पदानि लिखत, यहाँ पर तद्भव शब्द आपको संस्कृत में लिखने हैं और वो भी आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग, यहाँ पर हिंदी दे रखा है, आपको शब्द संस्कृत में लिखना है। एक उदाहरण यहाँ पे दे रखा है, बाकी आपको करना है। कड़वा, कड़वा को संस्कृत में क्या बोलते हैं, कटुकम, तो यहाँ पर आपको लिखना है कटुकम। पूछ, पूछ को संस्कृत में क्या बोलते हैं, पूछ, तो यहाँ पर आपको लिखना है पूछ। लोभी, लोभी को क्या बोलते हैं, लोभ, तो यहाँ लिखना है आपको लोभ। मधुमक्खी, मधुमक्षिका, तिनका प्रणाम, ये आपको यहाँ पर करना है। प्रश्न नंबर 5 आप देखें, अधोलिखित वाक्येषु कृत पदम क्रिया पदम च चित्वा लिखत, वाक्य में कृता पद और क्रिया पद आपको ढूंढ कर लिखाना है। क्रिया जो कार्य करते हैं, करने को क्रिया बोला जाता है, और कर्ता जो प्रथमा में विभक्ति के साथ प्रयोग होता है उसमें कर्ता का प्रयोग होता है। पहला देखिए, निर्गुण प्राप्य भवति दोषा, तो यहाँ पर कर्ता होगा दोषा और क्रिया होगी भवंती। अगला देखिए आप, गुण केशु गुणा भवंती, यहाँ पर होगा गुणा तो कर्ता होगा और भवंती क्रिया होगा। मधुमक्षिका माधुर्य जनिए, इसमें होगा मधुमक्षिका तो कर्ता होगा और जनिए तो क्रिया होगा। विष्णुष्य मैत्री यश नाश्यति, इसमें मैत्री तो होगा कर्ता और नाश्यति होगा क्रिया। नद्य समुद्रम आश्रित्य अपया भवंती, इसमें नद्य तो होगा कर्ता और भवंती होगा क्रिया। आगे के दो क्वेश्चन आंसर जो यहाँ पर रह गए हैं मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, जब तक आप ये अपने तीनों प्रश्न अपनी नोटबुक में करेंगे। थैंक यू।